पिछले दो हफ्तों के अंदर देश में अगर किसी चर्चा ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा है तो वो है यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, जिस पर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सवालों के बीच असम में आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सही समय आ गया है। दिस विल बाइंड भारत इट्स नेशनलिज्म मोर इफेक्टिवली एंड एनी फर्दर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी कोरोसिव ऑफ आवर वैल्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान ऐसे वक्त में आया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज है, मुस्लिम संगठन विरोध कर रही है। ऐसे में आरएसएस के मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और मुस्लिम संगठनों के विरोध को गलत बताया। यह कानून एकता मोहब्बत भाईचारे का पैगाम और रास्ता है, यानी कि अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतर गया है। जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठी है, मुस्लिम संगठन विरोध में खड़े हो गए। इस बार भी यही तस्वीर है, जिस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तीखा हमला बोल दिया है। मुस्लिम संगठन या फिर अरशद मदनी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़े हैं। इस्लाम के हवाले से तर्क दिया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है। मुस्लिम संगठनों के इस नजरिए अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान का हवाला देते हुए हमला बोला है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। यही नहीं, केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने मुस्लिम संगठनों के शरीयत वाले तर्क को न सिर्फ गलत ठहराया बल्कि शरीयत पर ही सवाल उठा दिए। इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत। दरअसल कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज के एक सवाल के जवाब में अरशद मदनी ने मुस्लिमों को चार शादी के अधिकार की बात कही थी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हर बदलते दिन के साथ तपिश बढ़ती जा रही है। और बात मणिपुर की, जहां आज से पहली क्लास से आठवीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि हिंसा कब थमेगी, क्योंकि एक तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप से हथियार लूटने में लगे हुए। जहां एक तरफ मणिपुर पिछले दो महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है, वहीं सरकार ने मणिपुर में आज से पहली क्लास से आठवीं क्लास के स्कूल खोल दिए हैं। सरकार स्कूल के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मणिपुर में स्थिति फिर से पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब भीड़ ने राज्य के थौबल जिले में भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप के हथियार को लूटने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ से सुरक्षा बलों की झड़प भी हुई, जिसमें एक 27 साल के शख्स की जान चली गई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल के जवान को गोली मार दी। सुरक्षा बलों ने हथियार लूटने की साजिश को तो नाकाम कर दिया, लेकिन मणिपुर के हिंसा को फिर से उजागर कर दिया। इस भयानक हिंसा में अब तक 130 से अधिक आम लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 450 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। 65,000 से अधिक लोग मजबूरन अपना घर भी छोड़ चुके हैं। राज्य में आग लगने की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। आम लोग की जिंदगी दहशत में कट रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या स्कूल खोलने में सरकार ने जल्दी तो नहीं कर दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।